सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और गाइस, आपने जो भी स्क्रीन पर वीडियो देखी, गाइस ये वाला म्यूजिक इंस्टाग्राम रील पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो गाइस, आज हम इसका वीडियो ट्यूटोरियल सीखने वाले हैं। और गाइस, आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना, क्योंकि मैं डेली इंस्टाग्राम से रिलेटेड एडिटिंग की वीडियोज़ लाता रहता हूँ। सो गाइस, आते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में VN एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। ये आपको प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर कहीं भी मिल जाएगी। उसके बाद गाइस, आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। और गाइस, यहां से आपको फ़ोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहां से आपको अपने 17 फ़ोटो सेलेक्ट कर लेने हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो मैं यहां पर 17 फ़ोटो ऐड कर चुका हूं, ठीक है। उसके बाद गाइस, आपको क्या करना है, ऊपर ओरिजिनल पे क्लिक करना है और आपको ये वाला साइज़ सेलेक्ट कर देना है, 9:16 वाला, ठीक है। अब आपको म्यूज़िक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, म्यूज़िक पर क्लिक करना है और गाइस यहाँ से आपको म्यूज़िक ले लेना है। म्यूज़िक का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। गाइस, आपको अपने म्यूज़िक पर ये बीट लगा लेनी है। बीट लगाने से गाइस आपको पता लग जाएगा कि आपको फ़ोटो कितने साइज़ का, मतलब कितना साइज़ का आपको कितना फ़ोटो रखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको म्यूज़िक पर क्लिक करना है, बीट्स पर क्लिक करना है और गाइस यहाँ पर आपको बीट लगा लेनी है। गाइस, जो हमारी फ़र्स्ट वाली बीट रहेगी वो रहेगी 0.55 की, ठीक है। गाइस, मैं एक काम करता हूँ, अगर आपको मैं एक एक बीट बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो गाइस, आपको ना एक टाइम स्टैम्प दे दूँगा मैं आगे वीडियो में। तो क्या करना है गाइस, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है एक ही बारी में पूरे का और आपको अपने म्यूज़िक पर ये बीट लगा लेनी है, ठीक है। आप वीडियो देखते रहिए, आगे आपको ज़रूर दिखेगा टाइम स्टैम्प। बीट लगाने के बाद गाइस, आपको राइट कर देना है। उसके बाद गाइस, आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोटो ना बीट पर रख, उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोटो बीट पे लाकर रोकने हैं। कैसे रोकोगे, फर्स्ट वाला फ़ोटो आपको फर्स्ट वाली बीट पे लाकर ट्रैक करके रोक देना है, सेकंड वाला फ़ोटो आपको सेकंड वाली बीट पे लाकर ट्रैक करके रोक देना है। गाइस, जब आप बीट के पास फ़ोटो लाओगे तो ऑटोमेटिक ट्रैक होकर खुद रुक जाएगा। गाइस, मैं सारे फ़ोटो बीट पर रोक लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे बता दूँ आपको इसमें इफ़ेक्ट कौन से लगाने हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो मैं सारे फ़ोटो बीट पर रोक चुका हूँ और ये लास्ट वाला फ़ोटो आपको म्यूज़िक तक करके ला के रोक देना है, ठीक है। और ये एंड में ब्लैक वाला पार्ट आता है, आपको इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद गाइस, हमारा इसमें काम बचा है इफेक्ट लगाने का। इफेक्ट कैसे लगाने हैं, आपको सबसे पहले आपको नीचे इफेक्ट्स पे क्लिक करना है और आगे आपको मूव करना है। यहाँ पर आपको एक इफेक्ट दिखेगा जिसका नाम है जिटर अप। जिटर अप आपको इफेक्ट लगाने के बाद, और जो ये ग्रीन बॉर्डर है ना, आपको ये 30S का कर देना है, ठीक है। 30S का करके और नीचे अप्लाई टू ऑल कर देना है। इससे गाइस हमारे सारे फ़ोटो में एक ही जैसा इफेक्ट लग जाएगा एक ही बारी में, ठीक है। मगर गाइस, हमें दो फ़ोटो से चेंज करना है ये इफेक्ट। गाइस, आप देख सकते हो ये एक ये वाला बड़ा फ़ोटो है और एक आगे बड़ा फ़ोटो है, ये दो फ़ोटो से हमें हटाना है। गाइस, सबसे पहले बड़ा फ़ोटो पड़ता है, आपको नीचे इफेक्ट्स पे क्लिक करना है और सबसे लास्ट में जाकर आपको ये वाला लगाना है, इस पर जूम आउट टू, ठीक है। सबसे लास्ट में यहाँ पर है जूम आउट टू नाम से, और इसका जो ग्रीन बॉर्डर आपको फुल रख के राइट कर देना है, ठीक है। फिर आपको आगे जाना है और इस फोटो पे क्लिक करना है, इस पर भी आपको यही वाला लगाना है जूम आउट टू, और इसका ड्यूरेशन फुल करके राइट कर देना है, ठीक है। अब गाइस, इसमें आपको एक काम और करना है, आपको ये वाले प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ये वाला इफेक्ट लगाना है जूम इन वाला, जूम इन वाला लगा के आपको, और इसका जो नीचे ड्यूरेशन आपको बिल्कुल ज़ीरो कर देना है इस तरीके से, ठीक है। ज़ीरो मतलब ज़ीरो कर देना है आपको 0.20S पर, और नीचे आपको अप्लाई टू ऑल कर देना है। इससे गाइस हमारे वीडियो और अच्छी लगेगी। गाइस, हमारी वीडियो बनके तैयार हो चुकी है, एक बार मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ कैसी लग रही है। तो गाइस, आप देख सकते हो कितनी प्यारी वीडियो लग रही है। गाइस, आपको वीडियो पसंद आई हो एक लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, क्योंकि मैं डेली इंस्टाग्राम से रिलेटेड एडिटिंग की वीडियोस लाता रहता हूं। और गाइस, आपको वीडियो गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से राइट करके वीडियो को सेव कर लेना है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।